वीएम एंटरटेनमेंट का नया वीडियो देखे खातिर चैनल के सब्सक्राइब करी और बेल का बटन दबाई। हौसला और हिम्मत बुलंदी प्रताप, हौसला और हिम्मत बुलंदी प्रताप, सर के सरिया बधाए कफन के लिए, फूल बनकर खिले काट पर ही चले, मिट गए हंसते हंसते वतन के लिए। वे आजादी के दीवाने थे साहसी, जुर्म सहते रहे गोरी सरकार के, पर गुलामी न स्वीकार हर गिन किए, चढ़ गए फांसी पे वीर ललकार के। तरज बदल गई, तर्ज बा कि अरे बिगड़ी मेरी बना जा, अजमेर वाले आ जा। वीरों की निकली टोली आजादी के दीवाने, जय हिंद बोल बोली आजादी के दीवाने। जमाना रहल, अंग्रेजी शासन रहल, अह देश का हालत का रहल, कि वह वक्त गुलामी का था। वह वक्त गुलामी का था, रोती थी भारत मैया, अरे तूफानों से टकराती डगमगती हिंद की नैया। भारत माता जंजीरों में जकड़ी तड़प रही थी, कोई बहादुर पैदा हो और आजादी को लावे, गुलामी को तोड़े, उसी समय फांसी से जब ललकारा, वह वीर भगत सिंह बागी, अरे उठ गई लहर क्रांति की, जन जन में चेतना जागी। है एक आवाज पर भगत सिंह के फांसी के फंदे से जब ललकारा, ऐ भैया आग उठ गई देश में, लेकर के जान हथेली, निकले पन वीर लड़ा के, बलिदान जान निज करने, तुद मुहे सपूत माँ के। ए भैया छोटा छोटा बच्चा जेकर दूध कभी दांत ना टूटे, निकल पड़लन देश सेवा में, पटना सचिवालय पर झंडा फहरावे में 10 साल के नीचे ही सब रहलत। ए भैया और कोने कोने हिंदुस्तान के कब्जा केलन अंग्रेज, लेकिन एक जगह बच गई ललकान, झांसी के किले के ऊपर, जब गोरे नजर गड़ाए राजा गंगाधर मर गए, रानी को खबर भेजवाए। झांसी का किला आजाद रहा और अंग्रेजन का नजर वही किले पर रहा, तो राजा किले का वारिसदार राजा गंगाधर के अंग्रेज धोखे से मरलन, और रानी लक्ष्मीबाई के चिट्ठी लिखलन कि रानी किले का वारिसदार खत्म हो गया और किला मेरे हवाले करके मेरी गुलामी स्वीकार कर लो। कि भेज दिए अंग्रेज पत्र, बढ़ गई फिकरिया रानी के हो, बढ़ गई फिकरिया रानी के हो।
की करिया रानी के राजा मर गए राज खत्म है लागल खबरिया रानी के। अंग्रेज लिखलन चिट्ठी में कि पूरब से पश्चिम तक मेरा राज है, ये झांसी किला बीच में आजाद कैसे रह गए। पूरब पश्चिम राज मेरा अब गुलामी मेरी स्वीकार कर दो, झांसी का किला है आजाद कैसे यही भाई लाल नजरिया रानी के। सही हो, वाह भाई वाह। चिट्ठिया रानी पढ़ थी अंग्रेजन के सब जवान सिपाही लोग, रानी के वीर सिपाही लोग पूछते हैं कि रानी कैसा पत्र है, कल के अंग्रेजन का पत्र हो, कहे का लिखल बा तो बताओ। लगले के तर्जमा यहाँ पे, अरे तर हम भेजली न चिट्ठियो पठावता कहिया का बदला यही जुबान में चुकावता मुआवता। झांसी की लवा पर नजरा गड़बड़े बा, झांसी की लवा पर नजरा गड़बड़े बा, झांसी की लवा पर नजरा गड़बड़े बा। कोना कोना देशवा क कैल बर्बाद हो बा, किलावा झांसी वाला मोरा रहल आजाद हो बा, गुलामी स्वीकार करत चिट्ठिया पठवले बा चेतवले बा, झांसी किला वापस नजर गड़वले बा। लिखल बा चिट्ठिया में कि किला हमारे हवाले करके और गुलामी स्वीकार कर लो, किले के वारिसदार राजा गंगाधर मारे गए और जब किला लावारिस हो गया तो किला मेरे हवाले करके मेरी गुलामी स्वीकार कर लो। ये बात जब चिट्ठिया में लिखल बा तो जवाब एकर का दिया ही। कुछ जवाब दिया ही कि गुलामी स्वीकार कर ली। सब बहादुर सिपाही कहते कि रानी जवाब दीजिए, लिख दीजिए चिट्ठी में कि अरे तलवार खून की प्यासी है मेरी, झांसी किले में गूंजी जय दुर्गे ललकार, झांसी किले में गूंजी जय दुर्गे ललकार, तलवार खून से प्यासी है मेरी। स्वर से जवान ललकार उठे, हम धरती के हम राही हैं, अरे ठोकर में मौत को रखते हैं जो सच्चे वीर सिपाही हैं। रानी चिट्ठिया में लिखदा कि माटी में हिंद के बसते हैं और लहू भी हिंदुस्तानी है, राजा पर लोग सिधार गए अभी वारिस झांसी की रानी है। चिट्ठी में लिखदा कि माटी में हिंद के बसते हैं, लहू भी हिंदुस्तानी है, राजा पर लोग सिधार गए अभी वारिस झांसी की रानी है। अरे धमकी से तेरे गीदड़ भड़ुए होंगे जो वही डर जाएंगे, ऐलान जंग का सुन के यहाँ मुर्दे भी लड़ने आएंगे। हिंदुस्तान का मट्टी हो अभी तमन जियत है, ए माटी में गाड़ल मुर्दा उठ के लड़ जाए लेकिन गुलामी स्वीकार ना करी। अंग्रेजन के पत्र गए गोरो ने पढ़ा जब रानी का यह जोश भरा परवाना है, अरे झांसी का किला तो दूर रहा तुम्हें हिंद छोड़ कर जाना है। झांसी तो बड़ी छोटी जगह, हिंदुस्तान खाली करके पड़ी। ऐलान जब करके ये चिट्ठी लिखल गई, जो चिट्ठिया अंग्रेज पढ़लन जब कौलन के हई सुना हमन सोचली मेहरारू का जादबा गुलामी स्वीकार कर ली, लेकिन ही तो बड़ा खर चिट्ठी भेज ले बा, घेर लो किला झांसी का और जिस किले पर भेनाद है उसे मार के शमशान बना दो। अंग्रेज तैयारी करने लगे किला घेरे की और किला में बहादुर जवान राय करने लगलन, चिट्ठिया हमन बड़ा चिट्ठिया तेज हमन भेज दिले ही, जवाब बड़ा खराब भेज ले ही। जब अंग्रेजवा यहन जरूर एलिए तैयारी कर ल
तैयारी कर लड़ा भिड़े के आ तरज बदल गई तरज है बाप ए भैया एक तरज भाई भोजपुरी फिल्म कर फिल्म वाला ना जानी का लिखले बाप ओकर औरत हमरे समझ में आये ना हम गा देते आप लोग अर्थ लगा लिया का लिखले बा कि गज भर कर अरे गज भर कर गुजारिया गजब कर हो अब तब कुर ये तरज वाले किनगाना का भाबा कि सज गई ले के सारिया जवाना वन कना आपस में राय करे लगलन कि साथियों बड़ा दिन खा के आराम कैला अरे सजग रहा वीर हाँ हो एक रण खेला आया गईली बलया जमावा वाली बेला भैया वाह वाह तैयार हो गए बहादुर जवान लोग और जेकर जवान समान रह अपन अस्त्र शस्त्र ठीक कर लगलन तलवार वाला तलवार ठीक कर लगलन भाला वाला भाला ठीक कर लगलन रानी का तोप चला वाला बड़ा चतुर तोप ची रहल गौस खान किले के ऊपर अपन तोप ठीक कर लगल और जब गौस खान तोप किले पर ठीक कर रहा था देख रहा है कि तमाम अंग्रेज किला के आरी आरी घेर रहल तब गौस खान कहा समय आ गए और तर्जु है बाग ए भैया ए गंगा जमुना सरस्वती अरे साजन मेरा उस पार है मिलने को दिल बेकरार है है गौस खान कि अरे झांसी में गूंजी ये आवाज है अरे रखना वतन की लाज है झांसी में गूंजी ये आवाज है रखना वतन की लाज है बौखलाए हैं करके ये नान झांसी किला घेरवाए हैं अरे घेरे किले को दागा बाज है एक लाइन व्यंगात्मक भावा भारतवासी जवान के दुल्हा अंग्रेजन के दुल्ही दुल्हा के सरिया रंग साज है दुल्हा के सरिया रंग साज है अब दुल्हन का गरम मिजाज है दुल्हा के सरिया रंग साज है
केसरिया रंग लेलत, सिर पर कफन बांध लेलत, या तो अंग्रेजन के मारल जाई आ नहीं तो चल के जान दे देवल, लेकिन अपने जिया धरती के गुलाम ना हो देवल जी। ये तय के लिए लेके रूप गा रहल, अरे कुदे जंग में रण जंगी नारे सवा दे सवा जाई ला, और कुदे जंग में रण जंगी नारे सवा जाई ना, और रंगे केसरिया तन बीरन के भे सवा दे सवा जाई ना, शंकर कैलासन डोला हो। ए भैया एकदम हर हर बम बम का नारा गूंज पड़ा, जाग पड़े कैलाश पशु शंकर कैलासन डोला हो, अकेले के ऊपर गौस खान की तो गलती सोला हो, अरे भुला न पावे रानी का संद सवद सवा जाई ना, अजियत जननी सही है ना कल सवद सवा जाई ना, रानी लक्ष्मीबाई मर्दाने भेष में तलवार लेके घोड़े पर जब निकली, संगे पैदली सेना मार मार के अंग्रेजन का छक्का छोड़ा देनी, और किला से किले के ऊपर गौस खान की तोप वो गोला बरसाया कि अंग्रेज पीछे हटे लगलन भागे। उसी समय अंग्रेजी सेना पर जो कमांड कर रहा था आदेश दिया कि भागो मत, लड़ाई का विधान बदल दो। कौन विधान बदललस? कि किले के आगे मंदिर मस्जिद वही में घुस करके पत्रकार धर्म की आड़ से छिपके लड़ते। किला के सामने एक मंदिर और एक मस्जिद, तो आदेश किया अंग्रेज कि आधा सिपाही मंदिर में चले जाए आधा मस्जिद में, दो भाग में बट करके पोजीशन ले लो। आधा अंग्रेज मंदिर में हो गया आधा मस्जिद में, और वहीं से पोजीशन ले लग। रानी के सिपाही अब मंदिर की तरफ बढ़े तो भी मारल जाए, मस्जिद की तरफ बढ़े तो भी मारल जाए, बेकाबू हो गिलन। और गौस खान किले से देख रहा है, आह आज हमार रानी के साथ के जितना सिपाही हुई मारल जी है नगर ते धरती गुलाम हो जाये, तो सोच रहा है किले से खरगोश से खान तब चढ़ के किलावा से, अरे बैरी दल मंदिर मस्जिद में घुसल तनी सा बढ़ा, अरे बैरी दल मंदिर मस्जिद में घुसल देखता सब जाई है नसार।
अरे मातृभूमि हमारी गुलाम होई जाई है। सोचे लगल अगर धरती गुलाम हो जाई, ए माटी में जन्म लेना, ए माटी में बसना धिक्कार हो। कहलन का कि अरे माफ कर देना खुदा अपने बंदे को। ना ना अरे शरीयत नमक का आज देवा हम चुका। माफ कर देना खुदा अपने बंदे को। कहा गौस खान किले पर तोप लिया हाथ में और कहा कि या खुदा मुझे माफ कर देना, मैं अपने वतन के लिए कुछ करना चाहता हूँ। और कहा कैलन कि तोपिया का मुहावा तब देहले घुमा। अरे बरसे लागल गोला बन के सोला तोपिया से और ढही गई न मस्जिद गई न पैरी दर दबा। मारा भर के गोला दनादन 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 मस्जिद के साथ अंग्रेजी सिपाही ध्वस्त हो गए लगे। आधा खत्म हो गए लगे, आधा चल गए हूँ मंदिर में। अब मंदिर की तरफ तो घुमा दल। अरे मंदिर पर घूमा वाला तो हाथ रुकी गई लग। घुमौलन जब मंदिर पर तो थोड़ा हाथ रुक गल उनकर। अरे रानी ललकार गौस खान के सुना कि मारो मारो जान पहले पैरी के मारो। रानी ललकार रही कि गौस खान हाथ क्यों रुक गया बहादुर जवान। अरे पहले वतन की रक्षा कर लो, इसके बाद हम धर्म की रक्षा करके दिखा देंगे। ए भैया अरे दन दन तो पिया दहनी गोला परसा। कोरन का सिपाही एक पीछे से छिप गए दहले गौस खान पर गोलियां चला। आखिरी समैया में भी छोड़ल नहीं मतिया जाते जाते वो नहू के दहले उड़ा। अरे बंदे मातरम के नरवा लगावे। ए भैया जिस समय बहादुर जवान अंग्रेजों को खत्म किया, किले पर विजय का झंडा उड़ा रहा था, इनकलाब जिंदाबाद बोल रहा था और एक सिपाही बच गल, वो पीछे से छिप के मरलस गोली भर के गौस खान के। लेकिन जब गोली लगल जवान के, समझत दरी ना लगल कि गोली कहाँ से आई लो और एक सिर्फ अनुमान पर ही तोप जोनो घुमा के मरला वहू की जोन गोली मरला है उनका धज्जी धज्जी उड़ गई। लेकिन अपने भी गिर गिले जमीन पर। इनकलाब जिंदाबाद बंदे मातरम का नारा जब लगाया है, रानी पास में आ गई और गोद ले ली, सिर ले ली गोद में और कहली कि बहादुर जवान आज मेरा दहिना बाजू टूट रहा है। अरे अपने वतन की कर रखवारी, आज तेरे बदौलत किले पर विजयी झंडा लहरा रहा है। अपने वतन की कर रखवारी बनके सच्चा वतन पुजारी। अरे अपन जहला जिंदा गानिया वतन पबिरावा। गौस खान अमर शहीदी गाना हम गाएंगे। इरणी मही के जन्म जन्म हर जन्म में हम आएंगे। भारत माता के सरनिया वतन के बिरावा। अरे रानी हंस के विदाई दो, ये अंतिम समय में बहादुर जवान को आंसू गिरा के नहीं विदा कीजिए। और अभी तो एक जन्म दिया है, हम तो जन्म जन्म इस धरती के ऋणी हैं। कहा गौस खां अमर शहीदी गाना हम गाएंगे। ऋणी मही के जन्म जन्म हर जन्म में हम आएंगे। हम जब भी जन्म हुई धरती पर, ये धरती के लिए अपन गला कटावत रह। एक कहना है और बाप आपके लिए। कहा गौस खां अंतिम इच्छा रानी यही हमार, कभी गुलामी अंग्रेजों की करना मत स्वीकार। झुके ना झांसी वाली रानी वतन के बिरावा।
इस धरती के लिए हमने अपना गला दिया है, अपना बलिदान दिया है, तो रानी कभी भी इस धरती की मर्यादा घटने मत देना, कभी भी अंग्रेजों की गुलामी स्वीकार मत करना, यही मेरी अंतिम इच्छा है। कहलन की ये तेरी इच्छा पूरी की जाएगी। और बोलो जवान, कहलन की एक काम और कर दिया कि वतन का रक्षा करे में हमसे एक भूल भइल बा, वो के सुधार लिया कि अरे कहा गौस खात, अरे मंदिर मस्जिद बनवा देना जिसे हमने तोड़ा, इतना कह रानी के गोद में प्राण गौस खा छोड़ा, कायम रही है कहानी आवतन बदिरावा। गुरु बिहारी गुरु गणेश गुरु रामलाल मोरबा का, स्वर्ग गए चंद्रिका कभी बच्चन का बीजा पता का, तलवार खून की प्यासी है मेरी, अरे शारदा रामदेव कर रही है रखा।